हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से आगे के पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रेडी करना है इन द चैप्टर। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे और कहा था कि अगर आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं तो हमारे न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो के पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बोलेंगे गुडविल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर या फिर हिडन गुडविल या फिर ओल्ड गुडविल। इन सभी चीज़ों को आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी हाउ अ न्यू पार्टनर एंटर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है ना बच्चों, तो वो दो चीजें अपने साथ लाता है, एक तो कैपिटल लेकर आता है और दूसरा लेकर आता है वो गुडविल का प्रीमियम। तो अगर रिज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर आया है फर्म में और वो कैपिटल भी कैश में लाया है और गुडविल भी अपने साथ कैश में लाया है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसके बाद होती है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी पार्टनर, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि सी पार्टनर, या फिर केवल न्यू पार्टनर लिख दो क्योंकि आप ट्रीटमेंट सीख रहे हो। और जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाएगा तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और अगर ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपना प्रीमियम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं Being goodwill withdrawn। तो ये हमारी जो एंट्री है बच्चों, ये तब होती है जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ गुडविल भी लाता है और अपने साथ कैपिटल भी। अब इसमें चेंजेस तो आ सकती है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि नया पार्टनर आया और अपने साथ गुडविल लाया, कैपिटल के लाने की कुछ नहीं बोला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर गुडविल नहीं लाया केवल कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यही एंट्री खत्म हो जाएगी क्योंकि दूसरी तो प्रीमियम को गुडविल को बांटने की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नया पार्टनर केवल अपने साथ कैपिटल लाया, गुडविल लाया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुडविल लाया और कैपिटल के उससे वो अपने साथ कैश लाया, तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो कैश ही नहीं लाया केवल एसेट्स ही एसेट्स लाया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये चीजें क्वेश्चन में देख के ही मालूम पड़ेंगी बच्चों कि हमें अपनी एंट्रीज में हल्का सा चेंजेस क्या करने हैं। याद रखना, अगर पार्टनर हमारा गुडविल कैश में लाया है तभी हमारी दूसरी एंट्री होगी, वरना दूसरी एंट्री होगी ही नहीं। मान लो पार्टनर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर, मैं आपको एक अज्यूम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशो है 3:2। क्वेश्चन कह रहा है सी एक न्यू पार्टनर है, 1/4 शेयर है उसका फर्म में, 10,000 रुपये की तो वो गुडविल लाया और 80,000 रुपये की कैपिटल लेकर आया है इन कैश। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, पहली एंट्री होगी हमारी बेटा कैश अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश में लिखेंगे हम क्या, कैश में लिख देंगे हम दोनों का एडिशन। प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000, कैपिटल में 80, तो यहाँ का एडिशन हो गया 90,000। और दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि यहाँ पर 10 है। टू, जब क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो और न्यू रेशो निकालने की कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मानते हैं, तो 3:2 से हम यहाँ वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और टू बीज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और 10,000 का हम 3:2 करेंगे तो 6,000 और 4,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टिंग, ठीक है। अब ऐसे में अगर क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल तो लाया वो 10,000, लेकिन 10,000 में 8,000 कैश में लाया, इसका मतलब 2,000 रुपया नॉन कैश में लाया। तो जब भी पार्टनर नॉन कैश में गुडविल लाता है तो करेंट बैलेंस से उसको पे किया जाता है, तो उसकी नॉन कैश की एंट्री गुडविल की क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस बताया अभी वो ये है कि 10,000 की गुडविल में 8,000 की कैश में लाया, तो 8,000 की कैश में लाया तो यहां पर एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000। जो कैश में नहीं लाया वो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, और सारी गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको निकालना बताया था। तो अब तक जो हमने समझा वो क्या समझा, कि अगर हमारा पार्टनर कैश में लाया है गुडविल और कैपिटल, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर हमारा पार्टनर नॉन कैश में, मतलब गुडविल तो लाया लेकिन कैश में नहीं लाया, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर दोनों को मर्ज कर दो, जो कि मैंने बताया 10 में 8,000 की कैश में लाया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल आप प्रीमियम में वो लिखेंगे जो वो कैश में लाया था, जो कि 8,000 है, और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग 8,2, और सेक्रीफाइसिंग में 10,000 बांट देंगे 6 और 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। एक और बात है जो आपको गुडविल की याद रखनी है बेटा, आज केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्वेश्चन इसके कल कर लेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को ये आना ही चाहिए, कि मान लो आपने कोई रेशो निकाला, ए और बी का रेशो दे रखा है हमें 2:1, न्यू पार्टनर आया 1/8 शेयर से, और जब न्यू पार्टनर आया और जब आपने इसका न्यू रेशो निकाला ए बी और सी का, तो रेशो दे रखा है ए बी और सी का वो है 5:3:2। अब हमारे पास पार्टनर का ओल्ड रेशो है और पार्टनर का न्यू रेशो है, और मान लो अगर आपने इसका ऐसा निकाला तो 2/3, 1/3, और ये 5/10, 3/10 और 2/10। ए का आपने निकाला बच्चों एसआर, और एसआर निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से, ओल्ड रेशो है 2/3 और न्यू रेशो है 5/10। एलसीएम लिया आपने यहाँ पर 30 को इससे किया 10 और 10 2 जा 20 -3, और 3 5 जा 15 = 5/30। आपने इस तरह बी का भी आंसर निकाल लिया, और बी का जब आप एसआर निकालने लगे तो ओल्ड रेशो था बी का हमारा 1/3 और न्यू रेशो था 3/10। आपने एलसीएम लिया 30 को इससे किया 10 - 3 = 9 = 1/30, ठीक है। अब आपने किया यहाँ पर सी का एसआर, तो सी का एसआर तो करेंगे नहीं, तो यहाँ आपका रेशो 5:1 आया। ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एसआर है, तो इसमें आपने एसआर में अपनी एंट्री बांट दी। मान लो ऐसा सेम क्वेश्चन आपने कोई किया होता और आपके पास यहाँ दिया होता 4/1, तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो आपके पास कुछ किस तरह से ट्रांजेक्शन हो जाते, 1/3
माइनस फोर बाई टेन, एलसीएम हो जाता 30, 30 को आप इससे करते 3 और 10 आ जाता और इसको करते आप 3 और 3 4 जा 12 हो जाता तो माइनस 2 बाई 30 करते। तो बच्चों बेटा अगर हमारी 5-4-1 की एंट्री होती, 5:4:1 जो कि हमने रिप्लेस किया 5:3:2 से, तो दूसरे का आंसर हमारा माइनस का 2/30 आ जाता जिसको हम कहते इट्स अ गेन। तो जब भी कोई गेन आ जाएगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बस इस वाले पॉइंट में जब किसी का आंसर निगेटिव आ जाए तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि ऐसे केस में गुडविल कभी भी न्यू पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बल्कि फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने न्यू पार्टनर के नॉर्मल कैश की ट्रीटमेंट, कैश में नहीं लाया उसका ट्रीटमेंट, एसेट्स में लाया वो ट्रीटमेंट, एसआर में अगर कोई एक आंसर माइनस में आ जाए तो इट्स अ गेन का ट्रीटमेंट ये याद रखा। अब हमारा लास्ट ट्रीटमेंट गुडविल का आ गया जिसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करा रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन में कोई भी गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसको निकालने के हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ध्यान से देखिए, मान लो अगर हम समझ लेना इसको ध्यान से, मान लो नया पार्टनर 1/4 शेयर लाया और अपने साथ 80,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया, ठीक है। एक बार इसका एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं बेटा और ए का कैपिटल 1,00,000 है और बी का कैपिटल 50,000 है। सी एक न्यू पार्टनर है जो कि 1/4 शेयर लाया है और कैपिटल उसका अपने साथ 20,000 रुपए का आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल की जनरल एंट्री करिए, गुडविल की जनरल एंट्री करिए। तो जब गुडविल है ही नहीं तो गुडविल की जनरल एंट्री बच्चा कैसे करेगा, तो वो हिडन गुडविल मान के इसको कैलकुलेट करेगा। हिडन गुडविल के लिए फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इफ इफ 1/4 brought by new partner, that means if 1/4 is equal to 20,000, total capital is equal to 20,000 into 4/1 is equal to कितना आ गया हमारा 80,000, is equal to कितना आ गया 80,000, कितना आ गया बेटा हमारा आंसर 80,000। थोड़ा मैंने कैपिटल चेंज किया है ए और बी का, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है इसलिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन चेंज कर दिया, वैल्यू हमारी टैली नहीं हो पाती। इफ 1/4 ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर दैट मींस 1/4 इज इक्वल टू 20,000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 4/1, तो ये हमने फर्म की गुडविल निकाली। दूसरे स्टेप में हमें टोटल करना है ऑल द पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल एड करना है। तो ए का कैपिटल 30 है, बी का कैपिटल 10 है और सी का कैपिटल हमारा 20 है। तो 20, 30 और ये आ गया हमारा 60,000, ये हमारा 2 पॉइंट निकला, ये 1 और 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर निकल आएगा हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो बेटा 80 में से 60 गए तो कितना आ गया 20,000। अब इसमें अगर आपको नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है तो वो आ गया 5,000, इसलिए मैंने वैल्यू चेंज की थी क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करते हैं। ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में पहला तो हमेशा ही हमेशा सेम टू सेम रहेगा, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर क्वेश्चन में सारे पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एसेट्स दी होगी और आउटसाइड लाइबिलिटीज भी दी होगी बेटा। तो एस और प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो अगर एसेट दे रखी है मान लो हमारे पास 50,000, आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है हमें 20,000
और कैपिटल ऑफ पार्टनर दे रखा है 20,000, तो ये आ गया हमारा 30 + 20 = 50,000। तो सेकंड पॉइंट हमारा ऐसे भी निकल सकता है, 80 में से 50 को माइनस करेंगे, 30,000 की फर्म की हिडन गुडविल आ गई। और नए पार्टनर का हिस्सा निकालने के लिए 1/4 कर देंगे, 4 7 = 28, 2 आ गया, तो यह आ गया हमारा 7500 हिडन गुडविल। हिडन गुडविल की एंट्री नॉर्मल होती है, जो हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट में कोई भी अंतर नहीं आता है, बट कैलकुलेशन में आता है। हिडन गुडविल में एक छोटी सी बात और एक्स्ट्रा समझ लीजिए, कभी कभी क्या होगा जब हम ऑल पार्टनर की कैपिटल ऐड करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड PNL, एक्युमुलेटेड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू PNL, ये दे रखे होंगे। तो प्रॉफिट्स होंगे तो यहाँ ऐड कर देना सभी पार्टनर की कैपिटल में, और लॉस हो तो माइनस कर देना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तब भी ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो वो भी माइनस। इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना और हिडन गुडविल की जनरल एंट्री भी कंप्लीट करना। अब मैं आपको इस चैप्टर की सारी एंट्री बताने जा रही हूँ, क्योंकि कल की प्लानिंग मेरी केवल क्वेश्चंस कराने की है, 5 से 6 क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे कल मेरा एडमिशन चैप्टर का रिवीजन डन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसको आज ही खत्म कर लेते हैं। एडमिशन से चेंज इन चैप्टर को मैंने आपको 6 एंट्री में डन कराया था, ऐसी एडमिशन को भी मैं आपको 8 एंट्री में पूरा वाइंड अप रिवाइज करा के दिखाना चाहती हूँ। पहली एंट्री वही चीज है जो चेंज इन प्रॉफिट में पढ़ाई थी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री, लेकिन यहाँ एंट्री ये वाली हो जाएगी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड PNL टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। दूसरी एंट्री एक्युमुलेटेड लॉस की, ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर रेवेन्यू PNL, उसको हम बांटेंगे लेकिन ओल्ड पार्टनर्स में ही, ओल्ड रेशियो में ही। तीसरी एंट्री WCR IFR की, सेम ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको चेंज में पढ़ाए थे, चेंज चैप्टर का वीडियो देखिए, उसमें जो भी WCR के ट्रीटमेंट थे सेम फॉलो होंगे, बट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑल पार्टनर में बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ में रिवैल्यूएशन के जितने भी ट्रीटमेंट मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट में पढ़ाए थे सेम टू सेम तैयार करने हैं, कुछ भी नया नहीं है उसमें। ऑल क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन इज क्रिएटेड, एसेट्स आर डिक्रीज, एसेट्स आर इंक्रीज, यही सेम कॉमन कॉन्सेप्ट, लेकिन ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद ओल्ड गुडविल की बात करें तो गुडविल अपीयर या गुडविल एग्जिस्टेड के नाम से होगा, और ओल्ड पार्टनर टू गुडविल के नाम से इसकी जनरल एंट्री होगी। यहाँ पर चेंज में हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो गया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन एडमिशन में 6th एंट्री हो जाएगी जो मैंने आपको लिखवाई। क्या एंट्री लिखवाई थी मैंने आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अब हमारी 6th एंट्री हो जाएगी। और 7th एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और 8th एंट्री हो जाएगी हमारी, क्या ये ऑप्शनल है 8th एंट्री, अगर प्रीमियम विड्रॉ किया जाएगा तो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी सारी जनरल एंट्री है इस चैप्टर की, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी जनरल एंट्री नहीं है। अब क्या बचा इस चैप्टर में? तो ये हो गई न्यू पार्टनर के आने की एंट्री, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की मतलब गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री, और 8th एंट्री गुडविल विड्रॉन की एंट्री। तो क्या 8th एंट्री में चैप्टर फिनिश हो जाती है? हाँ, ट्रीटमेंट फिनिश हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ आप इन ट्रीटमेंट्स को रिवाइज कर लें, ट्रीटमेंट्स अच्छे से तैयार होंगे, एंट्री जो मैंने आपको सारी बताई वो अगर आपको बाय हार्ट तैयार होंगी तो कल एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होंगे, और एक क्वेश्चन करा दूंगी जिसमें मैं एडजस्टमेंट भी पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगी, और बैलेंस शीट की उस भी कैसे आती है वो करेंगे। अगर कोई बच्चा सोचे कि एडमिशन में हमें कौन से 3 पैटर्न रेडी कर लेने चाहिए जो हमारे एग्जाम्स में अच्छे हो जाएं, तो पहला जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी न्यू रेशो और SR निकालने की, दूसरा 3 नंबर में क्वेश्चन बता रही हूँ न्यू पार्टनर के आने की एंट्री, तीसरा नंबर हिडन गुडविल का 3 नंबर का क्वेश्चन जहाँ पर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बताया था वो,
और चौथा और आखिरी एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने रिवॉल्यूशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये हमारा तैयार है। तो चैप्टर एडमिशन ही हमारा डन है। अगर वीडियो में जो आज कॉन्सेप्ट्स बताए हैं क्वेश्चन कल कराऊंगी, आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है बच्चों, बाय बाय।